हेलो, मैं देवेंद्र अग्रवाल, सीईओ ऑफ इंसर टेलीकॉम, आपके साथ 28 सितंबर आज 27 तारीख है, 28 सितंबर की क्लास। सबसे पहले जोरदार ताली करेंगे इस शुरुआत के साथ में, जोरदार ताली के साथ। मैं आप लोगों के साथ आज एक गारंटी देने आया हूं, आपको लाइव में एक गारंटी देने आया हूं। देऊ? यस सर। हर कोई एक लाइव में आज 5 मेगा पॉपकॉर्न के साथ में 50 लाख का जेट भी खरीदना चाहता है तो गारंटी चाहता है, चाहता है कि नहीं चाहता है? यस सर। हेलो, यस सर। आपका यस सर मुझे मेरे घर तक जाना चाहिए, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? ये यस सर तुम्हारे को जिंदा रखेगा भाई, इधर मैं स्टूडेंट बनने नहीं आया, मैं टीचर बनने आया हूँ। हेलो, और यहाँ मैं हर कोई सर मेरे जोधा पढ़ने की सर, मैं यहाँ पर ऐसा बैठ कर वीडियो गेम नहीं चलाएगा या तुमको देखेगा, देखने की एक्टिंग करेगा ये सब करके। तो मैं पहले बोल रहा हूँ, हर आदमी चाहता है लाइफ में गारंटी, और गारंटी मिलती है तो वो एक कंफर्ट जोन में आ जाता है, वो एक उसको सिक्योर हो जाता है कि मेरा पैसा सुरक्षित है। हेलो, माय मनी इज सेफ। तो उसके बाद में वो रिलैक्स हो जाता है, वो ये नहीं सोचता वो कि पागल है कि यार गारंटी से कहीं ज्यादा हम क्वालिटी पे भरोसा करें तो गारंटी लेने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं गारंटी दूंगा। मुझे बताओ कल जब हम सवेरे 7 बजे आएंगे, जबकि 8 बजे से क्लास लगती है, पर हम कितने बजे आएंगे? 7 बजे। 5 बार एजेंसी आईसी कौन कौन डिफॉल्ट करके बैठेगा? मैं। इसके बाद मेरी क्लास से कॉम्पिटेंट का जो भी आप समझ के उनको प्रैक्टिकल करके रात में अटेंड करके हम रिव्यू तभी रहेंगे जब हम पूरा काम करके बैठेंगे। हेलो, आपसे रिव्यू कभी नहीं है, हमने आज तक कभी भी किसी से भी रिव्यू नहीं लिया जिसको हमने काम नहीं करवाया। हमने पहले काम करवाया, उससे काम करवाने के बाद उससे पूछा कि भाई आपको क्लियर हुआ, जब क्लियर होने के बाद ही हम उसको फिर लाइव आते हैं और बताते हैं कि भाई आपने आज क्या पढ़ा, क्योंकि हम चाहते हैं कि पूरे देश को पता चले कि एसर टेलीकॉम अपने स्टूडेंट को देता क्या है। हेलो, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंसी पूरी बनी होनी चाहिए। ये वीडियो आप अपने घर वालों के साथ भी शेयर कर सकते हैं कि देखो आज मैंने मम्मी ये किया, आज मैंने ये किया, वो आपको देख कर रहेंगे डे बाय डे, तो उनको भी चाव बना रहेगा कि देखो मेरा लड़का यहाँ पर है और बहुत सारी चीज सीख रहा है। सेकेंड डे में मुझे बताओ मेरी क्लास जो होगी 10 बजे, उससे पहले यूनिवर्सल सीपीयू यूनिवर्सल से कौन कौन डिफॉल्ट करके बैठेगा यहाँ पर? बोलो, मैं बैठूंगा। बोलो, उस दिन हम करेंगे अपने पूरे कंपोनेंट क्लियर, पूरा लेआउट बनाएंगे कंपोनेंट का, जबरदस्त नॉलेज मिलेगा, पीसीबी से दोस्ती होने का मौका मिलेगा। उस दिन आईसी को छोड़ के हम अपने मोबाइल का हर एक कंपोनेंट को टेस्ट करेंगे, उसकी वर्किंग समझेंगे, और वही टेस्टिंग हम इसके बाद जाके करेंगे, और 10 बजे रात के 11 बजे तब तक करेंगे जब तक हमारा क्लियर नहीं हो जाएगा, एक बोर्ड में 10 बोर्ड में, हमारे बोर्ड में या हमारे या आपके बोर्ड में। हेलो, ये करने के बाद में तीसरे दिन लाइव फिर हम सवेरे आएंगे 7 बजे, और हम अपनी लाइव पावर ऐसी, पहली बार अपनी लाइव पावर ऐसी बनाएंगे, और ये हम एक बार नहीं दो बार बनाएंगे। हेलो, उन पर बनाएगा जल्दी आप बनाएंगे। इसके बाद मेरी लाइव आईसी आइडेंटिफिकेशन की क्लास होगी, जिसके अंदर मैं आपको 4G 5G पूरी डिटेलिंग दूंगा, 80% आईसी को आइडेंटिफाई करना विदाउट किसी बोर्डियर किसी सॉफ्टवेयर से, प्लस आईसीयू की रीकाउंटिंग सिखाऊंगा, मतलब मैं आपको सीपीयू पढ़ना सिखाऊंगा, सीपीयू का स्कीमेटिक नहीं, सीपीयू की बॉल काउंटिंग, ये कॉम्प्लेक्स सीपीयू, ये जो देख रहे हैं इतने सारी बॉलों में से एक सिंगल बॉल ढूंढना, और वो सिर्फ 5 मिनट, मान लो 5 मिनट तो बहुत बोल लिया, 2 मिनट के अंदर, मतलब मैं सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के अंदर एक बॉल ढूंढ के बता सकता हूँ यहाँ पर, और वो टेक्निक मैं आपको सिखाऊंगा, और सिर्फ सिखाऊंगा नहीं आपसे पढ़वाऊंगा यहाँ पर बारी बारी। हेलो, पूरे सीपीयू पढ़ेंगे, पूरा आईसी पढ़ेंगे, ईएमसी पढ़ेंगे, ताकि सर हम जब सर्किट पढ़े तो हमें सर्किट का नॉलेज मिले और हमें पता चले कि सर आईसीयू को कैसे पढ़ा जाता है, आईसीयू के अंदर किस तरह की कोडिंग होती है, समझ आ रहा है मेरी बात? चौथे दिन हमारा सिर्फ एक ही डे होगा, वो होगा सीपीयू डे। क्या होगा? सीपीयू डे। उस दिन हम सब तकरीबन 3 से 4 बार सीपीयू को बनाकर लगाकर चालू कर चुके होंगे, कौन कौन करेगा जल्दी बताओ? आप और उनमें से कईयों का तो लाइव लेंगे हम उसके बाद। अब देखो हमने इसको सीपीयू मास्टर क्लास की, CPU master class, why CPU master class, why not theory master class, MMC master class, MMCP master class, फलाना master, software master class, नहीं भाई, ये सब normally YouTube से और थोड़ा बहुत वहां से भी ज्ञान लिया जा सकता है, technically चीजों का ज्ञान कहीं से नहीं मिल सकता। हेलो, कोई भी कितनी थ्योरी सिखा दे, कितना ज्ञान दे दे, कितना भी मिल जाए, सब है, पर रेवलेंट कितना है वो पीसीबी में काम करने के बाद पता चलता है। मुझे बताओ, मैं तुमको अगर इस सीपीयू का ये पैड बता भी दिया और अगर तुम इस पैड तक ही नहीं पहुंच पाए सीपीयू निकालने के बाद और तुमसे फोन ही डेड हो रहा है, तो फिर ये कोई मतलब है क्या इतना? स्कीमेटिक का क्या अचार डालोगे इतना पढ़कर जब तक सीपीयू ही नहीं उठा पा रहे हो? डर लग रहा है, अरे सर रीस्टार्ट है, सर डेड हो जाएगा, तो क्यों कर रहा है? मत कर कुछ, तो फिर तरीके क्या है उसके, वो ही सिखाएंगे। इसको कहते हैं सीपीयू मास्टर क्लास। रीजन वाई वी आर, हमने क्यों नाम रखा, हमने क्यों इसका नाम रखा सीपीयू मास्टर, सीपीयू मास्टर ये है कि सीपीयू डे के बाद, बोलो सीपीयू डे के बाद
हमारा एक डिबेट डे आएगा, बैटरी कनेक्टर डे, जिसके अंदर हम बैटरी के पूरे लॉजिक सप्लाईओं की बात करेंगे, एनालॉग डिजिटल सब तरह की, डीसी टू डीसी आईसी और ट्रेसिंग। मैं आपको उस दिन निंजा टेक्निक दूंगा, ट्रेसिंग करने का कमाल की टेक्निक जो आपने कभी सोची नहीं होगी। उस दिन हमारा ट्रेसिंग का टाइम होगा, क्योंकि हमने सीपीयू निकाल लिया, एमएमसी कर ली, हमने आईसी रिपोर्ट कर ली, हमने सीपीयू भी लाइव बना लिया, हमें अपने बोर्ड में सब करके बैठे हुए हैं। ये नहीं कि हमने आईसी पे तो छुए हैं। उसके बाद हमारा जो भी डे आएगा, जैसे अगले दिन आए डिस्प्ले, उसके बाद हम पढ़ेंगे लाइट, उसके बाद हम पढ़ेंगे चार्जिंग। हम हर क्लास में बोलो थ्योरी प्रैक्टिकल करने के बाद रात में लाइव सीपीयू बना के जाएंगे। हेलो, समझ में आ रहा है? हम एक दिन में नहीं बनाएंगे, हम डेली सीपीयू बनाएंगे, ताकि हम अपनी हैंड स्किल को बहुत नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएं। हेलो, कौन कौन बनाना चाहता है? तो भाई सीपीयू मास्टर ऐसे बनते, एक दिन सीपीयू करवा के नहीं बनते, डेली करवाओ। और हर तरीके के अंदाज अलग है, हर तरीके। एक दिन स्वैपिंग करवाएंगे हम आपसे, बोल रहे सारी स्वैप कैसे करना है, इधर से उधर का सीपीयू पलटाना और रीडिंग के साथ आपके बोर्ड की रीडिंग लेकर आएंगे। तो ये क्योंकि मेरे हिसाब से हैंड स्किल सबसे इंपॉर्टेंट है। हेलो, ये तो लेते ही रहेंगे, ये तो मिलता रहेगा कहीं ना कहीं से, पर हैंड स्किल नहीं मिला तो फिर आपने चालू बोर्ड को भी डेड कर देंगे और उसको फिर चालू नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक बार आईसी हिस दी या आईसी लो बुटीक में चले गए तो गेम खत्म। फिर गेम खत्म हो गया, फिर हमको नहीं घबराना, क्योंकि हमको मतलब उसके बाद हमारे कुछ सॉफ्टवेयर और एमएमसी की क्लास अटेंड करनी है। हेलो, जिसमें आप एमएमसी चेंज करना सीखेंगे, यूएफएस चेंज करना सीखेंगे, लाइव हम आपके सामने चेंज करके दिखाएंगे, लाइव जिसमें हम यूएफएस को अपग्रेड करेंगे, हम आपको 64 GB को 128 बना के दिखाएंगे, रैम अपग्रेड करके बताएंगे, लाइव से नहीं कि सिर्फ ये बटन दबाना ऐसा हो जाएगा, हम करके दिखाएंगे अपग्रेड करके, हम आपको सीपीयू चेंज करके दिखाएंगे, क्या करके दिखाएंगे, सीपीयू चेंज करके। ये सब कुछ सीपीयू एमएमसी और यूएफएस आपकी होगी एमएमसी की क्लास के अंदर, क्योंकि वहां आपको सिस्टमैटिक नहीं, वहां पर आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर का काम सीखना है। सीपीयू चेंज करने के बाद में कॉन्फिगरेशन, क्या हमें एमएमसी को प्रोग्राम करना है, या क्या सीपीयू चेंज करने के बाद कौन से रजिस्टर निकालना है, या हमें फैक्ट्री रिसेट करना है या फ्लैश करना है, या किस मॉडल में सीपीयू चेंज होते ही नहीं, या सीपीयू चेंज की क्या प्रोसेस है। अब जैसे फॉर एग्जांपल क्वालकॉम के अंदर अगर रियलमी का है, अगर कोई भी रियलमी का फोन ले लो क्वालकॉम का, मैं अभी लाइव में बोलूंगा नहीं है, अपना क्लास में बताएंगे, अगर आपके पास सीपीयू चेंज करने आया तो पूरे इंडिया में कोई नहीं कर सकता, आप कर लोगे। मैं फिर से बताऊं, जिन्होंने नहीं पढ़ा, जिन्होंने स्टडी नहीं की, एक सही इंस्टीट्यूट में जाकर सही स्टडी नहीं करके आया उस लेवल तक जो हम पढ़ाने वाले हैं, तो वो पूरे इंडिया में कोई नहीं बदल सकता, क्योंकि यूट्यूब में तो कभी जिंदगी में नहीं मिलेगा रियलमी का सीपीयू कैसे चेंज करना है। और आप कर दोगे आपकी दुकान, क्योंकि हम बताएंगे रियलमी का सीपीयू कैसे चेंज करते हैं। अभी यहाँ पे लोग मेरे को देख रहे हैं लाइव, कह रहे हैं सर रियलमी का सीपीयू चेंज होता ही नहीं, बात समझ रहे हो? हेलो, रियलमी का सीपीयू, ओप्पो और रियलमी, इनके सीपीयू क्वालकॉम के अंदर चेंज नहीं होते हैं, वीवो सीपीयू, आप सीपीयू चेंज करोगे उसका टेक्निक हम आपको बताएंगे। तो ये सब सीखने के लिए हम यहाँ आए हैं, सिर्फ खाली हार्डवेयर करने नहीं, सिर्फ खाली सॉफ्टवेयर करने नहीं, सिर्फ खाली एमएमसी या खाली यूएफएस करने नहीं, हम तो भैया अपनी हर चीज को बराबर तरीके से अटेंड करेंगे, और अटेंड करने के बाद 3 महीने तगड़े तरीके से काम करेंगे। हेलो, मुझे 3 महीने कौन कौन दे सकता है अपने? मेरे हिसाब से जैसा बोलूंगा वैसा करना पड़ेगा। मुझे आपके 24 घंटे में से 2 घंटे चाहिए, कितने घंटे? पूरा दिन भर अपना काम करो, जो करना है आपका आपका काम है, आप अपनी प्रैक्टिस करो आप। मुझे 2 घंटे में आपसे जो बोलूंगा आपको वो काम मुझे करके देना पड़ेगा। हेलो, अगर आपने वो मेरे को दिए और एक बार रिजल्ट दे दिया, मैं ऐसा नहीं कि डेली कह रहा हूँ, मैं हफ्ते में एक बार कहूंगा कि मुझे ये काम करके दो, और ये आपने काम करके सक्सेसफुल दिया तो 102% कि आप अपने अपने एरिए को, अपने घर को, अपने को सबको इतना कंप्लीटली चेंज कर दोगे, अपना नाम बदलवा दोगे, और आप फील करोगे कि सर मैं ये इंस्टीट्यूट 1 साल पहले भी नहीं करूंगा, आज मैं और कहीं होता। बट ये फील करने की जरूरत नहीं है, मैं कहता हूँ जिस दिन उठे उसी दिन से स्टार्ट करना है। हेलो, हमारा आज का दिन है, हम आज से चालू करेंगे और आपसे मेहनत करेंगे, और हम गधे घोड़े जैसे मेहनत नहीं करेंगे, हम स्मार्ट वर्किंग करेंगे गधे घोड़े जैसे। तो ये सब करने के बाद, और हम नेटवर्क सेक्शन हो गया, डेट सेक्शन हो गया, इसमें तो हम कमाल का पढ़ेंगे, सब बताने की जरूरत नहीं है। बट मैं एक ऐलान आपके साथ करना चाहूंगा, क्योंकि मैंने पहले से सोच के रखा था इस महीने और अगले महीने, उसके बाद नहीं पता। मैं आप लोगों के साथ एक कॉम्पिटिशन कराने के बारे में सोच रहा हूँ, वो कॉम्पिटिशन है सीपीयू कॉम्पिटिशन। हेलो, मतलब आप सोचो कि जिन्होंने सीपीयू नहीं लगाया, जिन्होंने आईसी रिपोर्ट नहीं की है, वो सीपीयू कॉम्पिटिशन में बिठाऊंगा, उसका जो विनर होगा उसको विनर को भी प्राइज मैं दूंगा, जिसको मेरा प्राइज होगा एक माइक्रोस्कोप। समझ में आ रहा है? आप में से एक बंदा एक माइक्रोस्कोप जीत के जाएगा, बट नहीं पता माइक्रोस्कोप, बट ये पता कॉम्पिटिशन में बैठता हूँ, कॉम्पिटिशन को पूरा करना। हेलो,
सर हम जीत और हार की भावना से नहीं खेलेंगे, हम काम करने की भावना से खेलेंगे, समझ रहे मेरी बात? सर मैं जीतने को हारता कोई नहीं, मैं अगर किसी कॉम्पिटिशन में बैठा हूँ ना और मैं अगर उस लेवल पे हार भी गया तो मैं सर हारा नहीं हूँ, मैंने तो अपनी स्पीड को कितने लेवल तक बढ़ा दिया उस कॉम्पिटिशन में। हेलो सर, मैं इतने लेवल पे कभी काम ही नहीं किया जितना उस दिन मैंने इतने फास्ट फास्ट काम किया, मतलब अगर मैं अगर वो दो तीन बार और कर दूं तो अगला कॉम्पिटिशन मैं ही जीतूंगा, वो सोच लेके जानी है हारने के बाद, समझ में आ गया मेरी बात? जबरदस्त जीता हूं मैं तो, मैंने अपनी लाइफ में ऐसे काम नहीं किया जैसे कॉम्पिटिशन वाले ने करवा दिया। तो कॉम्पिटिशन खेलना चाहिए, हमेशा खेलना चाहिए और हारने के लिए खेलना चाहिए, सिर्फ ये नहीं कि जीतने के लिए खेलना चाहिए, क्योंकि कॉम्पिटिशन आपके स्किल को दो मिनट बढ़ा देता है, आपके लेवल को एनहांस कर देता है, कॉम्पिटिशन दो मिनट आपकी रातों की नींद खत्म कर देगा, आपको दिमाग में बचता रहेगा कि भाई कल कॉम्पिटिशन है, अरे यार थोड़ी और प्रैक्टिस कर लो, थोड़ी और कर लो, सिर्फ उस चक्कर में आप चार बार और कुछ काम कर जाओगे, सर बताओ, और कॉम्पिटिशन आपको बहुत आगे ले जाएगा। इसलिए जिन्होंने कॉम्पिटिशन सबसे ज्यादा दिए वो सबसे माहिर है, और जो डर रहे कॉम्पिटिशन देने से वो जिंदगी के बाद डर के साए में, भाई क्या होगा, क्या होगा, जिंदगी थोड़ा चली जाएगी, हार जाएंगे, अगले दिन फिर करेंगे, फिर हार जाएंगे, फिर करेंगे, फिर हार जाएंगे, चौथे दिन फिर करेंगे, फिर हारेंगे, बट हर दिन हारने का जजमेंट थोड़ा कम होता जाएगा, समझ रहे मेरी बात? आज मैं जितने बुरे तरीके से हार रहा हूं, कल मैं उतने बुरे तरीके से नहीं हारूंगा, ये बात का वादा मैं लेता हूं, मैं ये बोलूंगा, मैं ये नहीं बोलूंगा कल मैं जीतूंगा, मैं बोलूंगा कल मैं बुरे तरीके से हारूंगा बट इतने बुरे तरीके से नहीं हारूंगा, कल मैं कम तरीके बुरे तरीके से आऊंगा और कम तरीके से, और सर पांचवीं बार मैं जीत के जाऊंगा, ये दिमाग में लेके बैठे हो कि नहीं बैठे हो? yes, तो भाई 28 सितंबर के स्टूडेंट सीबीयू कॉम्पिटिशन कौन कौन बैठना चाहता है जल्दी बताओ। yes, डेट हम अभी डिसाइड नहीं करेंगे, डेट तो हम तब करेंगे जब आपसे कम से कम चार से पांच बार सीबीयू लगवा चुके होंगे, समझ में आ रहा है मेरी बात? डेट मैं अभी नहीं बता सकता भाई, मेरे को खुद नहीं पता है, मे बी ये होगा कि हम चार्जिंग क्लास के बाद लगवाएंगे इनसे सीपीयू, पर हार्डवेयर से पहले हम लगवा लेंगे, मे बी हुआ हम हार्डवेयर के बाद लगवाएंगे, पर हम आपके इस पूरे पीरियड में हम सीपीयू कॉम्पिटिशन करेंगे, आप लोगों के साथ करेंगे, लाइव करेंगे, और उस दिन हम फेसबुक में पूरे टाइम लाइव रहेंगे, हेलो विदाउट आवाज साउंड नहीं रखेंगे, पर पूरे टाइम पर लाइव रहेंगे ताकि एक ट्रांसपेरेंसी पूरे हिंदुस्तान में बनी रहे, कि ऐसा ना हुआ कि एशिया टेलीकॉम ने सीपीयू कॉम्पिटिशन बोला और सब बच्चों से ऐसा करके खत्म कर दिया, हम चाहते हैं लाइव रहे, बोर्ड में यहाँ नंबरिंग चलते रहे और हम सब बता रहे हैं, एक नहीं दो नहीं आप में से सब सीपीयू लगा के बैठे होते हैं। तो भाई 28 सितंबर की बैच, मैं जानना चाहता हूँ इस जर्नी को लेकर कितने जोश में आप लोग, कितने उत्साहित आप लोग, कितने उत्साहित जोश है पूरा? यस सर, पढ़ना चाहते हैं यहाँ पर? यस सर, लगता है कि मैं आउटपुट बना के लेके जाऊंगा? यस सर, आईफोन का फ्री कोर्स किस किस को मिलेगा यहाँ से 3 महीने के बाद में? और एंड्रॉइड का कोर्स किस किस को, 5G अपडेटेड कोर्स किसको मिलेगा यहाँ से आने के बाद में? यार बहुत कुछ है, मैं तो उसके बाद में अभी मैं नहीं पहले बता नहीं, मैं लाइव में बताऊंगा नहीं, अभी एक नई चीज पर काम कर रहा हूँ 5G के अंदर, वो भी मैं आपको बताऊंगा लाइव, अपन कल की क्लास में बात करेंगे। तो भाई इसी साथ मतलब इसी जोश के साथ हम शुरुआत करें आज की क्लास का, हेलो yes, sir! तो एक बार यहाँ के सारे टीचरों के लिए मैं जोरदार ताली बजा दूँ, एक बार अपने लिए जोरदार ताली बजाऊँ, एक बार अपने घर वालों के लिए जोरदार ताली बजाओ, और मेरे साथ दोहराओ एक बार कि थैंक यू, बोलो थैंक यू, आपने मुझे सपोर्ट किया, ये वादा मैं खुद से और आपसे दोनों से करता हूं, हेलो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। उनको ज्वाइन कर सकते हो अब इंसर टेलीकॉम इस इतने सर्किट में, मैं आपको अपने बारे में थोड़ा बता सकता हूं, आई होप कि आप इसको थोड़ा सा एंजॉय करेंगे और आपको सुनने में अच्छा लगेगा। दोस्तों एसआर टेलीकॉम में सबसे पहले तो आप आएंगे, आपको जितने भी दिन का कोर्स होगा ये एक मिनिमम 12-13 घंटे का पूरा पीरियड सेक्शंस होता है, जिसमें हार्डवेयर सबसे ज़्यादा होता है, फिर सॉफ्टवेयर के मात्र आपको 3 दिन जिसमें बेसिक आपका क्लियर होता है, और वो भी आपका 12-12, 10-10 घंटे का, और उसके बाद फिर आपकी EMMC और UFI जो कि हमारे एक प्रभावशाली टीचर मिलन सर के थ्रू आपको दी जाएगी। इसके अलावा अगर मैं आपको यहाँ बात करूँ
हार्डवेयर के अंदर सबसे पहले इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं हमेशा तीन चीज़ों के बारे में बात करता हूँ कि सिर्फ आपके सामने एक को एक एक कॉम्पोनेंट बस कैपेसिटर आपका जितना भी शॉर्ट वाला कैपेसिटर है वो ढूंढ के आपके फ़ोन चालू कर दूँ या आपके खाली एक निकला हुआ रजिस्टर को जम्पर मार, तो ये मेरे को लगता है कि इससे अच्छा मैं ये करूँ कि आपको पहले हैंड स्किल आपको दूँ, क्योंकि जब तक आपकी हैंड स्किल नहीं बनेगी, जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि मुझसे सीपीयू उठ रहा है नहीं उठ रहा है, तब तक सीपीयू के पैड का पता कर बेवकूफ़ी है, कोई मतलब नहीं है। जनरली क्या होता है, अभी के जो इंस्टीट्यूट है वो ज़्यादा थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, इसलिए आते साथ बच्चों को दो तीन दिन तो मतलब इलेक्ट्रॉनिक और पता नहीं क्या इलेक्ट्रॉनिक के नाम पर एटोमिक स्ट्रक्चर पढ़ा रहे हैं, कुछ पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, जो कि अपना वेस्ट ऑफ टाइम है, क्योंकि उनको अपने दिन कवर करने होते हैं। हम ऐसा बिल्कुल नहीं करते, हमें कोर लैंग्वेज पढ़ाते हैं, हम ज़्यादा टाइम अपने बच्चों को सीपीयू करवाने में लगाते हैं, हैंड स्किल करवाने में लगाते हैं। पहले दिन ही हम एमएमसी 5 बार परफेक्ट तरीके से रिवॉल्व कराते हैं, भले ही उसने ज़िंदगी में एसएमडी ना पकड़ी हो। दूसरे दिन हम उनसे डुअल डेकर के सीपीयू और जो भी 4G और 5G सीपीयू वो रिवॉल्व करवाते हैं, ताकि वो भी यूनिवर्सल से, वो भी एक बार नहीं दो बार नहीं कई बार, ताकि उनका हैंड स्किल बने और वो परफेक्ट तरीके से करते हैं, क्योंकि स्किल ही हम इस तरह से देते हैं। और तीसरे दिन हम उनसे लाइव 4G पावर IC को निकलवा के लगाते हैं, एक नहीं दो नहीं तीन, कम से कम 3 या 4 बार, जिसमें हम उनके साथ फिर डाटा सीट भी शेयर करते हैं, IC को कैसे पढ़ा, CPU को कैसे पढ़ा, अब इसी तरह के मैंने नंबर कैसे पढ़ा, तो ये नंबर अभी CPU का आएगा, ये देखिए, तो ये CPU का जो नंबर आएगा, ये पूरा CPU और MMC के पैड को किस तरह से पढ़ें, तो ये बहुत टेक्निकली और प्रैक्टिकली डिटेलिंग आपके साथ शेयर की जाती है। बहुत सारी चीज़ें हम देते हैं स्टूडेंट को, बट ये सारी चीज़ें आप क्लासेस में आएंगे तो आपको और बेहतर पता चलेगा। उसके बाद 14 दिन हमारा CPU डे होता है, जिसमें हम कोई थ्योरी फ्योरी नहीं करते हैं, हो गया अब किनारे करो थ्योरी, और सिर्फ अब प्रैक्टिकल CPU बनाएंगे। तो CPU बनाते हैं उस दिन हम 14 दिन CPU बनाते हैं, और CPU बनाकर हम बच्चों को सबसे पहले एक कॉन्फिडेंस देते हैं कि अभी अब अपने बोर्ड के अंदर आप CPU MMC पावर सब निकाल के लगा रहे हैं, इसका मतलब है कि आप अपने हाथों से आप कोई फ़ोन डेड करते भी हैं तो आप उसको फिर से ऑन कर सकते हैं, क्योंकि एक स्वाभाविक है, क्योंकि दोस्तों एक MBBS किया हुआ डॉक्टर, ये तो छोटे मोटी काम है हमारा हम तो ले लें, पर एक MBBS किया हुआ डॉक्टर भी जब तक जाकर एक 2-3 साल अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करेगा तो वो भी अच्छे आदमी को भी मोटा कर सकता है, वैसे ही टेक्नीशियनों से स्वाभाविक ये काम होता है, पर अगर होता है या तो हम उसको जिंदा करने का भी हमारे को हुनर होना चाहिए, तो वो पहले हुनर देते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि फ़ोन आ रहे हैं लेट रहे हैं बस आगे जा रहे हैं ये करके। जो भी काम होता है इंस्टीट्यूट के अंदर वो पूरा लाइव होता है, लाइव बोर्ड में होता है, और घिसे हुए या घिसे पिटे मोबाइलों को दिया नहीं जाता है, ये सारी चीज़ें। 14 दिन से हम उनको VBAT मतलब सबसे पहले बैटरी कनेक्टर की क्लास से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सब कुछ जुड़ा हुआ है बैटरी कनेक्टर से, जिसमें हम 4G 5G सारा चीज़ इंक्लूडेड करते हैं, वो भले ही जितनी भी सेंस लाइनें हो वो उसके साथ आपकी प्लस माइनस या आपकी ID और उसके अलावा क्या क्या बैटरी कनेक्टर के साथ जुड़ा हुआ है, DC to DC सब कुछ आपके साथ रिवील करते हैं। DC to DC IC कैसे पहचाने, किसी भी फ़ोन में बिना स्कीमेटिक से कैसे पता करें BPH किधर, तो ये सारी चीज़ें कोशिश ये करते हैं कि ज़्यादातर स्कीमेटिक का यूज़ ना करके बच्चों को वैसा जानकारी दें कि विदाउट स्कीमेटिक का है, और स्कीमेटिक तो रीड करना उनको आएगा ही, ऑब्वियस है। फिर इसके बाद हम ऑडियो सेक्शन, जो कि एक एडवांस लेवल का है, जिसमें हम CPU तक पढ़ाते हैं। ऑडियो सेक्शन दोस्तों एक 100% रिपेयरिंग सेक्शन है, क्योंकि वो लिमिटेड लाइनों के साथ बना होता है, उनका ऐसा नहीं है कि हर कोई तीसरी लाइन यहाँ से आ रही है, कोई वाईफाई कोई, तो ऐसा कोई सीन नहीं है, इसलिए लिमिटेड लाइनों को अगर हम समझेंगे तो हमारा ऑडियो हमेशा बनता है और हर वक्त बनेगा, ऑब्वियस उसमें कभी दिक्कत जाती नहीं है, और भली वो कितनी भी ऑडियो IC हो, स्मार्ट PO हो या कोई सा भी PO। उसके अलावा फिर हम बात करते हैं, फिर हमारा डिस्प्ले सेक्शन जाता है। ऑडियो के बाद में डिस्प्ले सेक्शन में हम सबसे पहले ग्राफिक्स का डे रखते हैं, हम ऐसा नहीं है दोस्तों लाइट ग्राफिक्स और सब कुछ एक साथ पढ़ाने की कोशिश करेंगे, हम पहले डिस्प्ले में ग्राफिक्स सेक्शन है, पूरा CPU का ट्रेस करवाते हैं हर एक स्टूडेंट से, अगर आप स्टूडेंट हो ना तो आपसे हम वो डिस्प्ले IC के प्लस 5 माइनस 5 पहले आपके मोबाइल से बनवाएंगे, क्योंकि जब तक आप वो बनाओगे नहीं ना आपको खुद नहीं पता चलेगा मैंने किया क्या है। वो मॉडिफिकेशन की बात करें या उसके अगले दिन लाइट मॉडिफिकेशन की बात करें या उसके अगले दिन हम बात करें हमारे कनेक्टर्स आ गए, जितने भी कनेक्टर्स हैं, हाइब्रिड सिम कार्ड कनेक्टर है, Type-C हो गया, किस तरह से माइक को और बहुत बेहतर तरीके से निकाला जा सेम मोड में, ये हम बहुत प्रैक्टिकली बताते हैं और साथ में करवाते भी हैं। सिर्फ ये नहीं कि एक अच्छे एक टीचर ने आके कर दिया और आपने ताली बजा दी, आपके लिए हम खड़े होकर ताली बजाएंगे क्योंकि आप वहाँ करके जाएंगे, यही है एसर टेलीकॉम, और इसलिए वो 12-13 घंटे दे रहा है अपने,
क्योंकि आप थ्योरी कितना ही पढ़ा लोगे, प्रैक्टिकल तो देना ही है ना, और प्रैक्टिकल फिर आप घिसे हुए बोर्ड में कर रहे हो और आपके टीचर है ही नहीं आपके प्रैक्टिकल के सामने, तो वो उस प्रैक्टिकल का मतलब नहीं है। फिर उसके बाद में टच सेक्शन होता है, वाईफाई सेक्शन होता है, सारे सेक्शन इंक्लूडेड होते हैं। उस सेक्शन के बाद फिर वापस चार्जिंग की कोड क्लासेस आती है, जिसके अंदर मैं डबल BQ मतलब डबल चार्जिंग ऐसी कि आपको पूरा सर्किट एक्सप्लेन करता हूँ। फिर से वही शाम को आप जाकर प्रैक्टिकल अटेंड करते हैं, फिर से उसको ट्रेस करते हैं ताकि आपकी चार्जिंग के आपने आइडेंटिफिकेशन भी किया, आपने ट्रेसिंग भी किया, ये सब करके चार्जिंग के बाद में फिर हमारे सॉफ्टवेयर चालू होता है। तो डे वन उसके साथ फिर हमारा एक नेटवर्क क्लास चालू होती है। नेटवर्क क्लास को भी हम बहुत डिटेलिंग के साथ पढ़ाते हैं और उसमें हम एक्सपर्टी रखते हैं। और साथ में डेड क्लास आपको इस तरह की देगी कि आपको वो जो आप स्टूडेंट की सुनते हैं ना कि सर मैं 5 मिनट में डायग्नोस कर सकता हूँ, वाकई में, पर कोई से बूट सिक्वेंस से नहीं। बूट सिक्वेंस तो बहुत नॉर्मल है, उससे तो आप बता ही दोगे कि पावर ओके है कि CPU नहीं है, नहीं, क्योंकि वो 50% ही माना जाता है। आप अपने हर एक कंपोनेंट को पहचानोगे, आप सर्किट के हिसाब से बनाओगे, विदाउट सर्किट के हिसाब से बनाओगे, और बहुत सही तरीके से आप आइडेंटिफाई कर लोगे कब CPU ही काम करना है, कब मुझे MMC उठाना है, या कब मुझे पावर बदलना है, या कौन सा LDO किधर चेक करना है। फिर इसके बाद में सॉल्डिंग की क्लास आती है, जिसके अंदर हम आपके जितने भी सेट हैं उन सब की फ़ोनों की आपसे सॉर्टिंग निकलवाते हैं। दो सॉर्टिंग हम निकालेंगे, वही तरीके आपको अपने बोर्ड में हमारे सामने अप्लाई करना है, जिससे नहीं होता उसके साथ बैठ के अप्लाई करते हैं ताकि क्लियरेंस हो जाए। फिर उसके बाद सॉफ्टवेयर की क्लासेस आती है। सॉफ्टवेयर की क्लासेस के बाद हम जिसमें हम आपको बेसिक आपको सॉफ्टवेयर चलाना, आपको ड्राइवर लेटेस्ट आपके बेसिकली लैपटॉप में आपको सिखाते हैं। उसके बाद फिर MMC क्लास आती है, जिसमें हम पहले MMC फिर JTAG से UFS सिखाते हैं, और उसके भी पहले हार्डवेयर में हम आपको डुअल डेकर चालू करा देते हैं, जिससे हमारे बच्चों को डुअल डेकर की रैम रिबॉल करना, रैम के बॉल भरना, ये सारी चीज़ें बहुत क्लियर आ जाए। तो बेसिकली एक CPU मास्टर कोर्स है। और दोस्तों खास तौर पे इस बार मैं फिर से करने जा रहा हूँ CPU कॉम्पिटिशन, आप लोग बने रहिएगा इसे टेलीकॉम के साथ, और प्रार्थना कीजिए कि भाई हमारा CPU कॉम्पिटिशन जबरदस्त जाए। इस बार हमारे 28 सितंबर की जो बैच है उनका CPU कॉम्पिटिशन की डेट मैं 1 तारीख को डिसाइड करूंगा। और ये बच्चे बिल्कुल फ्रेशर हैं, इन्होंने CPU कभी लगाया नहीं है। कॉम्पिटिशन में इनको बिठाने से पहले इनसे कम से कम 4 या 5 बार CPU लगवाना पड़ेगा, तब जाके ये कॉम्पिटिशन के लायक बनेंगे। और इस कॉम्पिटिशन के विजेता को एक माइक्रोस्कोप मिलेगा, वो भी ऐसा टेलीकॉम की तरफ से जो हम हमेशा देते हैं, हर समय देते हैं। और उसके साथ लाभ आखिरी में क्रिकेट मैच, क्योंकि हमारे साथ हमारे स्टूडेंट के साथ फ़न भी होना चाहिए, क्योंकि मैनेजमेंट का यही तरीका है कि आप पढ़ा भी हो और मज़े भी हो और खेले भी हो और बढ़िया तरीके से। और फिर हमारी 20 तारीख को विदाई मतलब फेयरवेल होता है, जिसके अंदर मेरे कुछ सर्किट मैं आपको पढ़ाता हूँ, CPU पढ़ाता हूँ, पूरी CPU, कॉलकॉम हो गया या मीडियाटेक हो गया, एक एक पैड लेवल की CPU मैं आपको पढ़ाऊँगा। CPU के अंदर कौन सा पैड, CPU को अगर पोर्ट ना बने तो कौन सा CPU में क्या क्या चेक करना है, और अगर पोर्ट बने तो CPU में क्या क्या चेक करना है, डिस्प्ले ना आए तो CPU में क्या चेक करना है, और अगर आपका नो बेसमेंट आ रहा है तो CPU के अंदर क्या चेक करना है। तो बेसिकली सेक्शन वाइज भी अगर आपके फॉल्ट आ रहे हैं, रैम की रीडिंग आ रही है, तो CPU के अंदर क्या चेक करना है, तो ये मैं आपको CPU वाइज पढ़ाऊंगा। ये मेरा आखिरी का दिन होगा, इस तरह का कुछ हमारा सिलेबस है। सो आई होप कि आपने ये सारी चीज़ें समझी हो, थैंक यू वेरी मच। मौका दीजिए एक बार, इंडिया के सभी लोग कहते हैं कि सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट एसर टेलीकॉम, 10 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस लोगों को अपनी लाइफ बनाने का। एक बात ध्यान रखना, यहाँ से जाने के बाद मेरा आईफोन का अपडेटेड कोर्स भी फ्री लेके जाना, मेरा 5G अपडेटेड कोर्स भी फ्री लेके जाना, उसके साथ मेरे को भी लेके जाना, मैं आपको पल पल अपडेट करूँगा। और आप 2026, 2027, 2028 में भी आप आओगे, आना तो पड़ेगा, क्योंकि अपडेट होने के लिए आपको बार बार मिलना पड़ेगा। तो जिस तरीके से हम आपके लिए मेहनत करते हैं, आप लोग भी उतनी मेहनत कीजिए अपने लिए, खुद के लिए, और इस देश को आगे बढ़ाइए। सो जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू गाइस, चिल मारो यार। दोस्तों अगर आपको मुझसे पढ़ना है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 7000737192, क्योंकि मेरे पास है 10 साल का सिर्फ टीचिंग का एक्सपीरियंस, जिससे मैं आपको दे सकता हूँ बेहतर क्वालिटी की टीचिंग और आपको टेक्निक। तो हमारे साथ है 28 अगस्त की बैच, yes, आज कौन सा दिन है हमारा, तीसरा दिन, तीसरा दिन मतलब पावर, किस किसने डन किया पावर डन सबने, यस सर। तो भाई 10:30 बज रही है और हम क्या करके उठे हैं अभी, CPU माउंट रिबाउंड किस किसने करा है, सबने किया है, यस सर। तो चलिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। Master! Hey!
इनसे बात करना चाहूंगा। सर मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, मेरा नाम है वापन खांडेकर और मैं इधर 28 जून के बैच को ज्वाइन किया था। आज तो आज मेरे को बहुत अच्छा गिफ्ट मिला है कि मैं इधर एंड्रॉइड का कोर्स करने आया था, मेरे को आईफोन का कोर्स भी एशिया टेलीकॉम की तरफ से गिफ्ट में मिला है। तो एशिया टेलीकॉम को मेरी तरफ से धन्यवाद और देव सर को भी मेरी तरफ से धन्यवाद। थैंक यू। तो मैं चलो मैं एक चीज इंस्टीट्यूट की तरफ से एशिया टेलीकॉम की तरफ से आईफोन मास्टर सर्किट कोर्स और 5G अपग्रेड भी हमें गिफ्ट में दिया गया। जी जो गिफ्ट मिला है हमें एशिया टेलीकॉम की तरफ से एंड्रॉइड और आईफोन का जो लर्निंग ऐप है जो हमें आने वाले वक्त में इसके लिए सिखाएगा। ये मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ एशिया टेलीकॉम का और एमडी सर का और देव सर का। चलिए ठीक है। मेरा नाम सावन जावेद, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। ओके। मेरे हाथ में जैसे आप देख रहे हो ये आईफोन का गिफ्ट है, जो आईफोन का कोर्स है गिफ्ट मिला है। मैं करने एंड्रॉइड आया था, एंड्रॉइड का आया था और मेरे को आईफोन का कोर्स है गिफ्ट मिल गया और अभी साथ में 5G सर्किट के साथ। हम इधर एंड्रॉइड का सीखने आए थे सब मोबाइल रिपेयरिंग और देव सर ने और एशिया टेलीकॉम ने हमें उसके साथ आईफोन का भी कोर्स गिफ्ट दिया है। सर मैं यहाँ एंड्रॉइड का कोर्स सीखने आया था, देव सर ने और एशिया टेलीकॉम ने इधर मुझे आईफोन 5G का कोर्स गिफ्ट दिया है, इसलिए मैं इसे टेलीकॉम और देव सर को धन्यवाद करना चाहता हूँ। गिफ्ट मिला है मुझे आईफोन का कोर्स मिल गया है और थैंक यू सर, थैंक यू एशिया टेलीकॉम, एमडी सर का बहुत बहुत बड़े धन्यवाद। एक क्लिपिंग हो जाए सर के लिए, बहुत शुक्रिया आपने। दुकान का काम दूसरों को दे रहे हैं क्योंकि आपसे आईसी लेवल का काम नहीं आता और आपने सस्ते में लोकल मोबाइल सेंटर में काम भी सीखने गए पर वह भी नहीं सीख पाए और ना ही यूट्यूब में सॉल्यूशन देखने का फायदा मिल रहा है, तो आज ही ज्वाइन करो देश का सबसे बड़ा चिप लेवल मोबाइल इंस्टीट्यूट एशिया टेलीकॉम, जो आपको देगा आपके काम की गारंटी। अगर आप मोबाइल टेक्नीशियन हो और आईसी चिप लेवल का काम नहीं कर पा रहे हो और आप CPU EMMC पर काम करना चाहते हो तो आज ही कॉल करें एडमिशन के लिए। हम आपको देंगे गारंटी वर्क, 3 दिन में पावर IC और 4th दिन में CPU करवा देंगे। हम देंगे IC पैड लाइन की जानकारी, यहाँ हॉस्टल में इसकी सुविधा फ्री है। हम बनाएंगे आपको तकनीशियन से टीचर, ये आपसे वादा है। एशिया टेलीकॉम देश में एडवांस मोबाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में सबसे बेस्ट क्यों है? हमारे यहाँ स्टूडेंट को मिलते हैं 12 घंटे में 7 घंटे सिर्फ प्रैक्टिकल और बाकी थ्योरी क्लास। यहाँ स्टूडेंट से काम करवाया जाता है, ना कि फोन टीचर से फोन रिपेयर करके सिर्फ दिखाया जाता है। यहाँ बेसिक से एडवांस सिखाया जाता है जिसमें हार्डवेयर EMC सॉफ्टवेयर हैं। एशिया टेलीकॉम देश में एडवांस मोबाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में सबसे बेस्ट क्यों है? हमारे यहाँ स्टूडेंट को मिलते हैं 12 घंटे में 7 घंटे सिर्फ प्रैक्टिकल और बाकी थ्योरी क्लास। यहाँ स्टूडेंट से काम करवाया जाता है, ना कि फोन टीचर से फोन रिपेयर करके सिर्फ दिखाया जाता है। यहाँ बेसिक से हाँ दोस्तों, मैं देवदत्त अग्रवाल एशिया टेलीकॉम को फाउंडर। अगर आपको पढ़ना है एक ऐसी मोबाइल रिपेयरिंग एक गुरुकुल से जहाँ पे डिसिप्लिन हो, जहाँ पे आपको गारंटी मिले, जहाँ पे आप 30-14 दिन में आपने CPU EMMC पावर सब लगाकर बैठ गए हो, ताकि उसके बाद थ्योरी का मजा आए और थ्योरी के साथ भी आप डेली CPU लगाएं, ताकि आपको आपका हैंड स्किल बना रहे, क्योंकि हैंड स्किल नहीं होगा तो CPU का पैड जान के भी कोई मतलब नहीं निकलेगा। और जहाँ पे आपको डीप लेवल की थ्योरी मिले, जहाँ पे आपको वो सर्किट वो सोल्यूशन मिले जो आपको मार्केट में भी नहीं है, और सॉफ्टवेयर बेसिक सॉफ्टवेयर से आपको लेटेस्ट सॉफ्टवेयर का ज्ञान मिले, और उसके अलावा मिले आपको EMMC जिसमें UFI पढ़ाया जाए, और JTAG जिसमें आपको लेटेस्ट जो आईसी है जो CPU चेंजिंग सब कुछ आपको अगर रिजल्ट चाहिए तो आप हमारे को ज्वाइन कर सकते हैं एशिया टेलीकॉम। अगर आपको CPU मास्टर बनना है तो ज्वाइन करो मेरी इस महीने की 28 तारीख की क्लास, 25 तारीख तक आपको पहुंचना है यहाँ पर, तो आज ही कॉल करो, ये मौका ना चूकने दो। और दोस्तों अगर आपको मुझसे पढ़ना है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 7000 7311 92, क्योंकि मेरे पास है 10 साल का सिर्फ टीचिंग का एक्सपीरियंस जिससे मैं आपको दे सकता हूँ बेहतर क्वालिटी की टीचिंग और आपको टेक्निक।